रामपुर थाना कोतवाली बिलासपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें कि दो दिन पूर्व बिलासपुर के मोहल्ला साहूकारा निवासी ज्वेलर्स नीरज अग्रवाल के घर पर बदमाश डकैती के इरादे से घर में घुस गए थे। घर की महिलाओं को गन पॉइंट पर ले लिया था। चीख पुकार की आवाज सुनकर काफी भीड़ जमा हो गई थी, जिसके बाद बदमाश मौके से फरार हो गए थे। इस खबर को CNN चैनल ने प्रमुखता से दिखाया था। तभी से पुलिस बदमाशों की तलाश में लग गई थी और आखिरकार पुलिस को कामयाबी मिल ही गई। बदमाशों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। जिला कारागार में अनियमितताओं की शिकायतों के साथ ही शासन से मिले निर्देशों के बाद कानपुर के DM ने प्रशासनिक अमले के साथ छापा मारा। सभी बैरिकों की सघन तलाशी भी की। DM विजय विश्वास पंत, SSP अनंत देव तिवारी के साथ ही प्रशासनिक अफसरों ने अचानक जिला जेल में तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान जो जहां था वहीं पर रोक दिया गया। कार्यवाही चलती रही तब तक सभी की आवाजाही रोक दी गई। छापे के दौरान जेल परिसर में हड़कंप मचा रहा। काफी देर तक चली इस कार्यवाही के बाद DM विश्वास पंत ने बताया कि कारागार के अंदर कोई भी आपत्तिजनक वस्तु बरामद नहीं हुई है। सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद है और ये रूटीन चेकिंग थी। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार भले ही प्राथमिक विद्यालय या फिर सरकारी स्कूलों की सूरत बदलने के लिए लाख प्रयास करती हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में इसकी स्थिति दिन प्रतिदिन बद से बदतर होती चली आ रही है। ऐसा ही ताजा मामला तहसील स्वार क्षेत्र बिरजापुर की ग्राम पंचायत नूरपुर के प्राथमिक विद्यालय से सामने आया है, जहां विद्यालय सुबह देर से खुलने पर पत्रकार ने देर से पहुंची शिक्षिका से सवाल क्या पूछ लिया। शिक्षिका पत्रकार पर भड़क उठी और पत्रकार को ही बच्चा चोर कहकर धमकाने लगी। साथ ही पत्रकार पर बच्चों के फोटो खींचने का आरोप भी मढ़ दिया। देखिए रामपुर की ये खास रिपोर्ट। जी मैडम, एक ये स्कूल है नूरपुर के नाम से, प्राथमिक विद्यालय। यहाँ टीचर काफ़ी लेट आते थे, आज वहाँ कुछ पत्रकार लोग गए, उन्होंने उनसे बदसलूकी की है। तो क्या जानकारी है आपके पास? अभी संज्ञान में आया है, आपके द्वारा बताया गया है। जैसे मैं वो अभद्र व्यवहार करें उन पर ऐसे कैसे मतलब किस आधार से कार्रवाई की जाएगी? खबर फतेहपुर से, जहां 18 वर्षीय नगमा को कुछ युवकों द्वारा बहला फुसलाकर फरार होने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि गुलफाम अहमद नामक युवक अपने भाई इरशाद और दोस्त फिरदोश की मदद से 18 वर्षीय नगमा को लेकर कल से फरार है। इतना ही नहीं, गुलफाम के पिता खलील ने लड़की से फोन पर बात भी कराई। बताया जा रहा है कि गुलफाम द्वारा लड़की को बहला फुसलाकर भाई इरशाद और दोस्त फिरदोस की मदद से गांव साउदमऊ से लड़की को छेवकी स्टेशन पर ले जाया गया। फिलहाल लड़की की मां नूरजहां बानू ने पुलिस को इसकी तहरीर दी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। ये बताइए, ये माजरा क्या है, कौन गाँव का माजरा है, आप कहाँ के रहने वाले? साउदमऊ का है सर। ये हमारी लड़की नगमा बानू, जिसके साथ गलत काम किया गया, उसको अपहरण करके लेके भाग गए। कौन लेके गया है? जिसमें है कमरुद्दीन का लड़का फिरदोस, और दूसरा खलील का लड़का, खलील इरशाद है, खलील है, गुफरान है। तो थाने में थाने में आपने कंप्लेन दिया है? जी नहीं, अब जा रहे हैं देने जा रहे हैं। तो आप ये बताइए कि आपको पूरा विश्वास है कि वही लड़का ले गया? पूरे यकीन के साथ सर, पूरे यकीन के साथ वो लेके गया। तो किस ढंग से आपको मालूम पड़ा कि वो लड़का ले गया? ये करीबन 9 बजे करीबन प्रेम नगर में था, उसके बाद यहाँ आया बाइक से, पीछे RCC रोड अपासी मोहल्ले से। हाँ? उधरी से बैठा ला, उधरी से लेके गया है। अब गाड़ी वगैरह कहाँ है? गाड़ी तो वहाँ चौकी में छोड़ा था। हाँ? और अपने भाई को बुला करके गाड़ी दे दिया है। गाड़ी दे दिया, कौन भाई लेने गया है गाड़ी? उसका लेके गया था फिरदोस, मतलूब लेने गया है। वो मतलूब कहाँ है इस टाइम? घर ही पे है। ठीक है, हम थाने में अपने कंप्लेन आप देने जा रहे हैं? देने जा रहे हैं। चलिए ठीक है, आप कंप्लेन दीजिए, देखते हैं। खबर कुशीनगर से, जहां उपद्रवियों को शह देना थानेदार को घातक साबित हुआ। मामला कुशीनगर के तुकपट्टी बाजार का है, जहां दोषियों पर कार्रवाई ना होने से परेशान व्यापार मंडल आर पार की लड़ाई के लिए सड़क पर उतर गए हैं। वहीं माहौल बिगड़ता देख पुलिस फोर्स मौके पर तैनात कर दी गई। जवाहर नवोदय विद्यालय की विद्युत सप्लाई में आई खराबी की वजह से 4 दिनों से विद्यालय की आपूर्ति व्यवस्था ध्वस्त पड़ी हुई है,
जिसकी वजह से देश का भविष्य अंधेरे में है। वहीं जिले के आला अधिकारी कर्मचारी 24 घंटे में ट्रांसफॉर्मर ठीक कराने या बदलने का दावा करने वाली सरकार के आदेश की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। आपको बताते चले कि विद्यालय परिसर में लगा ट्रांसफॉर्मर 4 दिनों से खराब है, ऐसे में विद्यार्थियों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। वहीं प्रधानाचार्य विमल कुमार मिश्र ने बताया कि विद्युत विभाग को बार बार पत्र लिखने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। क्या समस्या है? हमारे यहाँ ट्रांसफार्मर जला हुआ है जी। आप 3 दिन हो गए और मैंने इसकी सूचना विद्युत विभाग को दिया है, लेकिन उसके बावजूद अभी तक ट्रांसफार्मर लगा नहीं जी। साथ में यहाँ के जो माननीय सांसद जी हैं उनको भी आज सुबह मैंने एक अप्लीकेशन दिया, उन्होंने भी आश्वासन दिया। इसके अतिरिक्त क्षेत्रीय नेता जो हैं त्रिपाठी जी, उनको भी मैंने सूचना दिया, लेकिन कोई कार्रवाई अभी जो है हुई नहीं जी। सर, स्कूल का नाम क्या है सर? स्कूल का क्या दिक्कत हो रही है, कई समस्याएं। सर, स्कूल का नाम क्या है सर? जवाहर नवोदय विद्यालय देवरिया जी। सर, ये हमारे बेहद